खरगोन बिस्तान थाना क्षेत्र के बनहेर तिराहे पर बीती रात करीब 10 बजे एक युवक को गोली मारकर फरार हुए बोलेरो सवार दो युवकों को पुलिस ने चंद घंटों में ही पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार 21 मार्च की रात करीब 10:15 बजे बनहेर तिराहे पर एक बोलेरो वाहन आकर रुका। वाहन के आगे बड़े अक्षरों में सरपंच भी लिखा था। इसमें सवार युवक अंडे के थैले पर पहुंचे, जहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद नौबत गाली गलौज तक पहुंच गई थी। यह देख नगर का निवासी विनय सुरेश जायसवाल उन्हें समझाइश देने लगा, जिससे गुस्साए युवक ने अपने बोलेरो वाहन से पिस्टल निकाली और विनय को जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। इसके बाद दोनों वाहन लेकर फरार हो गए। इसकी सूचना तत्काल चैनपुर थाना और हेला पड़ाव पुलिस चौकी पर देकर घेराबंदी कराई गई। गोली चलाने के मामले में भारत उर्फ गुड्डू जीलाधार और जितेंद्र मालसिंह उर्फ मोहन चौहान थाना अलीराजपुर सवार को गिरफ्तार किया है। यह दोनों शिवा बाबा दर्शन के लिए जा रहे थे, इसी दौरान बनहेर तिराहे पर विवाद के बाद भारत ने फायर कर दिया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। रात 10:15 के आसपास बिस्तान तिराहे पे अंडे के ठेले पे एक विवाद हुआ, जिसमें अंडे देने की बात पर से पहले वो ठेले वाले से विवाद हुआ। विनय जायसवाल वहाँ पे खड़ा था तो उससे भी विवाद हुआ। एक बोलेरो में दो लोग सवार थे, उनके मध्य वाद विवाद की स्थिति जब बढ़ गई तो बोलेरो में बैठकर ही एक व्यक्ति ने उसमें एक फायर किया जो विनय जायसवाल के बांह में लगी और मौके पे पुलिस तत्कालिक पहुंच गई और पुलिस को ये ज्ञात हुआ कि ये हैला पड़ाव की तरफ भागी है। तो उधर चेकिंग हम लोगों ने चारों तरफ लगाया था और SSP और SDOP TI सभी लोगों के क्षेत्र पर सर्चिंग शुरू कर दी और हेला पड़ाव पर सफलता मिली। जब वहाँ पे एक बॉलरों तेजी से आती दिखी तो स्टॉपर्स लगा के वहाँ पे चौकी प्रभारी ने रोका। उन दोनों व्यक्तियों से जब पूछताछ की तो उन्होंने घटना घटित करने में स्वीकार किया और उनके पास से जो कट्टा था जिससे फायर हुआ था वो भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। ये दोनों व्यक्ति जो हैं खरगोन जिले से बाहर के हैं, एक धार का एक अलीराजपुर का, और इन दोनों ने बताया कि वो शिवा बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे और अचानक ही वहाँ बिस्तान पे अंडे थैले पे वो शराब पी के वहाँ पे अंडे भेजने आए थे। वाद विवाद होने की स्थिति में उन लोगों ने फायर करके घटना घटित की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, कट्टा भी जब्त कर लिया, आगे की हम कार्रवाई कर। सर इसमें कोई जनप्रतिनिधि भी है? गाड़ी में सरपंच लिखा हुआ था जी, वो बताया गया कि धार में सरपंच से कोई रिश्तेदार है, बाकी संबंध हम तेज देखता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।